स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू SVS इंग्लिश क्लासेज वी आर हेयर टू स्टडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या टिक द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक रिटन बाय डेब्रा काउली डेब्रा काउली के द्वारा लिखा गया ये पार्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट पार्ट वन की ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। पहले हम डायरेक्शन को पढ़ते हैं नोट ध्यान दीजिए चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोइंग निम्नांकित स्टेटमेंट्स कथनों का निम्नांकित कथनों को टू कंप्लीट पूर्ण करने के लिए चुनिए द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव सर्व उपयुक्त विकल्प निम्नांकित कथनों को निम्नांकित वाक्यों को पूरा करने के लिए सर्व उचित विकल्प को चुनिए तो आइए शुरू करते हैं नंबर वन द साउंड ऑफ म्यूजिक इज एन इंस्पिरेशन टू साउंड ऑफ म्यूजिक संगीत की आवाज इज है एन इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन कहते हैं प्रेरणा संगीत की आवाज एक प्रेरणा है किसके लिए ए डिप्रेस्ड पीपल अवसाद ग्रस्त लोगों के लिए डिप्रेस्ड अवसाद ग्रस्त उदास बी ऑर्फन्स अनाथों के लिए सी हैंडीकैप्ड विकलांगों के लिए डी पुअर गरीबों के लिए इन चारों अल्टरनेटिव्स में से जो द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वह है सी हैंडीकैप्ड विकलांगों के लिए ये द साउंड ऑफ म्यूजिक विकलांगों के लिए एक प्रेरणा है नंबर टू एट व्हाट एज डिड एवलिन लूज हर हियरिंग एबिलिटी द फर्स्ट टाइम टू सम एक्सटेंट एट व्हाट एज किस उम्र में एवलिन ने खो दिया था हर हियरिंग एबिलिटी अपनी श्रवण शक्ति को द फर्स्ट टाइम पहली बार टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक एवलिन ने किस उम्र में कुछ हद तक पहली बार अपनी श्रवण क्षमता को खो दिया था ए 7 बी 8 सी 16 डी 11 तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है बी कुछ हद तक 8 वर्ष की उम्र में पहली बार उसने अपनी श्रवण क्षमता को खो दिया था तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है नंबर थ्री हु सजेस्टेड एवलिन ज्वाइन द स्कूल फॉर डीफ हु सजेस्टेड किसने सुझाव दिया हु किसने सजेस्टेड सुझाव दिया एवलिन को ज्वाइन जुड़ने के लिए या प्रवेश लेने के लिए द स्कूल फॉर डीफ बहरों के लिए या बहरों के स्कूल में प्रवेश लेने के लिए किसने एवलिन को सुझाव दिया था ए हर हेड मिस्ट्रेस उसकी मुख्य अध्यापिका ने बी हर फादर उसके पिता ने सी हर मदर उसकी माता ने डी हर ब्रदर उसके भाई ने तो बहरों के लिए स्कूल में प्रवेश लेने के लिए एवलिन को सुझाव उसकी हेडमिस्ट्रेस ने
दिया था। तो इसका ए ऑप्शन द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। नंबर फोर, विच इंस्ट्रूमेंट डिड एवलिन वॉन्ट टू प्ले एट ए वेरी स्मॉल एज बट हर फादर डिस्करेज्ड। विच इंस्ट्रूमेंट, कौन से वाद्य यंत्र को डिड एवलिन वॉन्ट, एवलिन चाहती थी टू प्ले बजाना एट ए वेरी स्मॉल एज, अल्प आयु में, छोटी उम्र में, बट परंतु हर फादर डिस्करेज्ड, लेकिन उसके पिता ने उसे हतोत्साहित कर दिया। तो इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको छोटी उम्र में एवलिन बजाना चाहती थी लेकिन उसके पिता ने उसे हतोत्साहित कर दिया, उसका साहस तोड़ दिया, हिम्मत तोड़ दी। ए जाइलाफोन, इसे काष्ठ तरंग भी कहते हैं। बी गिटार, सी पियानो, डी सैक्सोफोन। इनमें से ये चार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें से किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एवलिन अल्पायु में बजाना चाहती थी? इन चार में से है ए जाइलाफोन। नंबर फाइव, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एवलिन्स परकसनिस्ट। व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था ऑफ द एवलिन्स, एवलिन के परकसनिस्ट कहते हैं तालवादक या ढोलवादक। एवलिन के ढोलवादक का, तालवादक का क्या नाम था? ए रॉन गैलर, रॉन फोर्ब्स, रॉन फियरा, रॉन फेलर। इन चारों नाम में से जो एवलिन के तालवादक का नाम था वह रॉन फोर्ब्स। नंबर सिक्स, हु एनकरेज्ड एवलिन टू परस्यू म्यूजिक इन हर लाइफ। हु एनकरेज्ड, किसने उत्साहवर्धन किया, किसने प्रोत्साहित किया, किसने दिल को बढ़ाया, हिम्मत दी एवलिन, एवलिन को टू परस्यू, पीछा करने के लिए या अनुसरण करने के लिए या अपनाने के लिए म्यूजिक, संगीत, इन हर लाइफ, अपने जीवन में। एवलिन को अपने जीवन में संगीत को अपनाने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? ए हर मदर, उसकी माता ने। बी हर परकसनिस्ट, उसके तालवादक ने। हर ब्रदर, उसके भाई ने। हर हेडमिस्ट्रेस, उसकी प्रधान अध्यापक ने, अध्यापिका ने। तो इसमें जो मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वह बी है, उसके तालवादक ने एवलिन के, उससे उसे अपने जीवन में संगीत को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया कि तुम संगीत सीखो और संगीत को अपने जीवन का अच्छे बनाओ। नंबर सेवन, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ एवलिन। एवलिन के राष्ट्रीयता क्या थी? ए स्कॉटिश, बी ब्रिटिश, सी जर्मन, डी फ्रेंच। नेशनलिटी में एवलिन की नेशनलिटी स्कॉटिश थी। नंबर एट, एट व्हाट एज डिड एवलिन लूज हर हियरिंग एबिलिटी कंप्लीटली। एट व्हाट एज, किस आयु में डिड एवलिन लूज, एवलिन ने खो दिया था हर हियरिंग एबिलिटी, अपनी श्रवण क्षमता को कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से अपनी
श्रवण क्षमता को एवलिन ने किस एज में खो दिया था? ए 8, बी 16, सी 11, डी 9। इन ये चार एज ग्रुप हैं, इनमें से किस एज में एवलिन ने अपनी श्रवण क्षमता को पूर्ण रूप से खो दिया था या वह पूर्ण रूप से बहरी हो गई थी? इसका सही ऑप्शन है सी 11। क्वेश्चन नंबर 9। एट व्हाट एज डिड एवलिन डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ? एट व्हाट एज, किस आयु में डिड एवलिन ने डिसाइड, निश्चय किया, फैसला किया टू मेक, बनाने का म्यूजिक संगीत को हर लाइफ, अपना जीवन। एवलिन ने किस आयु में संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला किया? ए 16, बी 8, सी 11, डी 12। इन चार एज ग्रुप में से कौन सा मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है, यह हमें फाइंड आउट करना है। इसका मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव ए है 16। नंबर 10। Where across did Evelyn tour with a youth orchestra? Where across did Evelyn tour? Evelyn ने कहाँ का भ्रमण किया, कहाँ के दौरे पर गई? With a youth orchestra, युवा वादक वृंद के साथ वह कहाँ के टूर पर गई, कहाँ के भ्रमण पर गई, कहाँ के दौरे पर गई? ए यूके, बी यूएसए, सी स्कॉटलैंड, डी पोलैंड। इन चार अल्टरनेटिव्स में से जो मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव है वह है ए। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज फ्रॉम द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। इसका पार्ट 2 इसके बाद आपको मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस का के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनका भी भला कीजिए ताकि वो भी आपकी तरह स्टडी कर सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।